स्टूडेंट वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक प्रॉब्लम सेट 1 अलजेब्रा का। प्रॉब्लम सेट 1 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन फोर्थ सम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सेट में, उसमें फोर्थ क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर। मनीष और सविता के प्रेजेंट एज का सम यानी कि टोटल 31 ईयर्स है। 3 ईयर अगो, 3 साल पहले मनीष एज वॉज, मनीष का एज 4 टाइम्स सविता एज। 3 साल पहले मनीष का जो एज था वो 4 टाइम्स किसकी एज का था? सविता की एज का 4 टाइम्स था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मनीष और सविता का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो दो अलग पर्सन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है मतलब कितने वेरिएबल लगेंगे? 2 वेरिएबल। तो ये जो क्वेश्चन आ गया, व्हाट प्रॉब्लम, कौन से चैप्टर का आ गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दोनों का एज फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष भी एक्स ईयर, मान लेते हैं मनीष का प्रेजेंट एज एक्स ईयर है एंड सविता प्रेजेंट एज भी वाई ईयर, और सविता का प्रेजेंट एज मैंने क्या लिया? वाई ईयर। फिर कंडीशन नंबर 1 क्या बोला था? दोनों की एज का टोटल कितना है? 31 ईयर। दोनों की एज का सम, दोनों के प्रेजेंट एज का सम कितना दिया? 31 ईयर। तो दोनों के प्रेजेंट एज का सम 31 ईयर, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, x plus y is equal to 30। आगे क्वेश्चन में 3 ईयर अगो, 3 साल पहले की बात किया था, तो 3 साल पहले की बात किया है तो पहला हम 3 साल पहले की एज फाइंड करेंगे। तो मैंने वही किया, 3 ईयर अगो दैट एज वाज, मनीष का एज 3 साल पहले कितना होगा? तो प्रेजेंट एज में से 3 साल को क्या करोगे? माइनस। तो ये हो गया मनीष का एज और ये हो गया सविता का एज। ये जो एज है मनीष और सविता का, ये 3 साल पहले का एज है। अब कंडीशन क्या बोला था? कंडीशन बोला था 3 ईयर अगो मनीष एज, मनीष का एज 3 साल पहले कितना है? x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू, वॉज की जगह पर कौन सी साइन आई? इक्वल। 4 टाइम्स का साइन कौन सा? मल्टीप्लाई। सविता एज, तो 3 साल पहले सविता की एज क्या थी? y माइनस 3। अब इसको सॉल्व किया तो ये आया x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 into y, 4y माइनस 4, 3 is 12। फिर वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लाया तो प्लस 3 ये हो गया माइनस, और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर लेके गया तो ये माइनस से उधर गया तो हो गया प्लस। फिर इसको सॉल्व किया तो ये मिला मेरे को इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में x का कोएफिशिएंट सेम है 1, और दोनों की साइन भी सेम है प्लस। तो जब साइन सेम होती है तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। तो ये मैंने लिखा, दोनों इक्वेशन लिखा, सबट्रैक्ट के साइन डाला। सबट्रैक्ट करते वक्त एक बात हमेशा याद रखना है कि नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज होगी। तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। अब आगे की कहानी देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। तो ये तो कट जाएगा, x x गया प्लस 4y प्लस y, तो कितना y हो गया? 5y इक्वल, ये दोनों भी प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40। therefore y is equal to 40/5, therefore y is equal to what? 8 5 is 40। y की वैल्यू मिली मेरे को कितनी? 8। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कौन से अल्फाबेट की? x की। तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 8, y की वैल्यू 8 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन में कर दो। तो मैं यहां पे लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 बोलता है x plus y की वैल्यू क्या मिली है? 8। तो y की जगह पर लिखा 8 is equal to 31। therefore x अपनी जगह पर, 31 अपनी जगह पर, ये कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे जाएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, हो जाएगा माइनस। therefore x is equal to 23। y की वैल्यू मिली 8, x की वैल्यू मिली 23। x किसका एज लिया था? मनीष का। y किसका एज लिया था? सविता। अब यहां पे लिखता हूं therefore मनीष एंड सविता प्रेजेंट एज इज 23 इयर्स एंड 8 इयर्स। इस तरह ये एज वाला क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना था, ठीक है, थैंक यू।